चौथे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर जिलाधिकारी पुलकित खरे मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए तमाम तरीके की तैयारी लेकर सड़क पर उतर चुके हैं और वार्ड से लेकर गली तक वो स्वयं मतदाता जागरूकता के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ जिलाधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से उन्होंने प्लान तैयार किया। सर, किस तरीके से प्लान तैयार किया? मतदाताओं को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि आगामी 23 तारीख को पीलीभीत में चारों विधानसभाओं में वोट पड़ने हैं। इसके लिए हम लोग तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं। हमने हर वार्ड में ये देखा कि पिछले चुनाव में क्या प्रतिशत रहा है वोटिंग का, और कुछ वार्ड खासकर ऐसे चिन्हित हुए जहाँ पे सामान्यता बहुत कम वोटिंग होती है। ये शहरी क्षेत्र है, उसके बावजूद यहाँ पर लोग जागरूक हैं पर फिर भी वोट डालने नहीं जाते हैं। तो ये निर्णय लिया गया कि उच्च अधिकारी स्वयं इनके घर जाएं, और आज इसी तरह का एक वार्ड जो हमारा वार्ड नंबर 7 है, निरंजनपुर कॉलोनी है, यहाँ पे मेरा आना हुआ और घर घर जाके लोगों को हम एक आमंत्रण पत्र दे रहे हैं। ये आमंत्रण पत्र हमारे स्कूल के बच्चों ने बनाए हैं और इसमें यही संदेश है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी है और 23 तारीख को वोट डालने आना है। ये थे हमारे साथ पीलीभीत के जिलाधिकारी पुलकित खरे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि गली गली वार्ड वार्ड बच्चों जो स्कूल के बच्चे हैं वो लगातार स्लोगन पट्टियां बना रहे थे मतदाता जागरूकता के लिए, और उन्हीं के स्लोगन पट्टियां लेकर तमाम गलियों और वार्डों में वार्ड वोट प्रतिशत बढ़ाने की तैयारी जिलाधिकारी पुलकित खरे करते दिख रहे हैं। कैमरा सहयोगी प्रिंस के साथ विक्रांत शर्मा, एबीपी गंगा, पीलीभीत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।